Assalamu alaikum, I am Bilal Saeed and today I am going to discuss a little introduction of biology. The most of you people have the clear mind about the biology, they know that how we can define biology. Biology is a derived from bios and logos. Bios mean the life and logos mean study. So the biology mean scientific study of life. Hum aise aksar इस बात से वाकिफ हैं कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बायोलॉजी का मतलब यही नहीं है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ उन तमाम फैक्टर्स को भी डिस्कस किया जाता है जो कि लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं दैट हाउ लाइफ वर्क्स, कि जिंदगी किस तरह से चलती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो इससे पहले कि हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करें, हमें पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि लाइफ क्या है। सो ज़िंदगी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी फिलासफर्स इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट अ लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश द लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ज़िंदगी खसूसियात का एक वो मजमूआ है जिसके ज़रिए हम जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जानदार है और कौन सी चीज़ बेजान है। सो कौन कौन से वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन लिविंग से अलग हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके अंदर बहुत कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर ऐसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वो अपने साइज़ में ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, वो हमेशा उतने ही रहते हैं जितने एक बार होते हैं। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को मेंटेन करते हैं, नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते। इसी तरह जो मेटाबॉलिज्म है, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और जिसके के लिए एनर्जी कंज्यूम भी होती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी को कंज्यूम भी करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वो कुछ खसूसियात होती हैं जिनके ज़रिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। हम उन दोनों में फ़र्क भी देख सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सोच सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कहे कि जो पौधे हैं वो, हम मूवमेंट को ले लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं करते। अब अगर एक शख्स कहता है कि देखिए पौधे तो मूवमेंट नहीं कर रहे, हम हैं इंसान है, कोई भी दूसरा जानवर है, वो मूवमेंट करता है, चलता फिरता है, लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि फिर जो पौधे हैं वो भी लिविंग है। अब देखें, पौधों के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन उनकी मूवमेंट उस तरह से नहीं है, उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर डीप को ग्रो कर रही हैं, जबकि उनकी जो शूट्स होती हैं वो ऊपर को ग्रो कर रही होती हैं, तो उनकी वो मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह जो हम करते हैं, हमारे जो है एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होती है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। इसी तरह ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स को आप कहीं भी रख देंगे, उनकी किसी किस्म की उनके अंदर ना तो ग्रोथ होगी ना उनके अंदर कोई मूवमेंट होगी, जबकि हम जब ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके अंदर स्पेशल जो है वो ग्रोथ भी होती है और उनके अंदर मूवमेंट भी होती है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं दैट के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि कौन सी लिविंग थिंग्स हैं कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी बायोलॉजी के जो है वो ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिनको हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, और बाकी जो है इस तरह हमारा डेली जो है वो चलता है।